सोशियाकाल, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम जो वॉच करने जा रहे हैं, ये वीडियो है शोएब अख्तर एक्सपोज्ड व्हाई नो हिंदू क्रिकेटर इन पाकिस्तान टीम क्रिकेटिंग। तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में कोई हिंदू क्रिकेटर नहीं है, उसकी क्या वजह है वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। हमारे बहुत सारे इंडियन जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कमेंट में अक्सर लिखते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट टीम में कोई हिंदू प्लेयर नहीं है, जबकि इससे पहले अगर आप देखें तो दानिश कनेरिया जो हैं वो हिंदू हैं और वो पाकिस्तान टीम के लिए खेल चुके हैं, लेकिन अब वो भी नहीं है और उनके बाद तो कोई भी हिंदू प्लेयर नजर नहीं आ रहा। तो उसकी खास वजह क्या है वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ और वॉच करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल नोटिफिकेशन पे भी प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहे। यस, ये भी यार कोई हिंदू है ना वो खेलेगा पाकिस्तान, और उसी हिंदू ने टेस्ट सीरीज जिताई। मैंने कहा अब बोल कनेरिया ने, और इंडिया की टीम में मोहम्मद सिराज हैं, मोहम्मद शामी हैं, अजरुद्दीन हैं, इस तरह के मैं 8-10 नाम आपको थे, पहले थे जी मतलब क्रिकेट में तो थे ना उन्हीं के नाम, ऐसे 8-10 नाम मैं आपको इंडिया में मुसलमानों के गिना सकता हूँ। आप लोग ने तो मेरे हाथ पैर काट दिए, क्रिकेट तो दूर की बात, और चैनल पे काम देना बंद कर दिया, और जिस चैनल के ऊपर मैंने काम किया अभी तक उसकी पेमेंट नहीं हुई है मुझे। तो क्या चाह रहे भाई कि मैं अपना आपको खत्म कर दूं? यूसुफ पठान है, उसके अलावा वो कश्मीर से थे, इरफान पठान, यूसुफ पठान, एक कश्मीर के उमरान मलिक हैं जो फास्ट बॉलर है, बहुत तेज बॉल करते हैं। इस तरह के 7-8 नाम मैं आपको गिना सकता हूं। आप पाकिस्तानी टीम में मुझे 2-3 नाम के अलावा कुछ 4-5 नाम गिना के दिखाई जो गैर मुस्लिम है। मैंने बात खुल जाएगी वैसी कि सर ये यहाँ से खाना क्यों ले रहा है, मैं क्या मैं तुम्हारे उठा के ना तुम्हें उठा के बाहर फेंकना था। मुझे लगा शायद कह रहे हैं दो नाम गिनवा के दिखाएं, तो मैं फटाफट बोल देना था यूसुफ योहाना और उसके अलावा दानिश कनेरिया। आगे चलिए ना भाई, आगे चलिए, आखिर मुझे नहीं पता। ये वीडियो तो कल बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, हालांकि आज मैं इस वीडियो के बारे में बात नहीं करूंगा। आज मैं वो टॉपिक पे ऊपर बात करूंगा क्यों पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान नॉन हिंदू प्लेयरों को बहुत ज़्यादा हेट करता है। हालांकि पाकिस्तान में रूल तो ये है, जो काफिर है वो पाकिस्तान के टॉप बड़े जो पोजीशन होते हैं वहाँ पर नहीं बैठ पाएंगे। क्या पाकिस्तान क्रिकेट में भी ऐसा कोई रूल है? रूल तो नहीं है, लेकिन सिस्टमेटिकली उनका बोर्ड और उनका देश नॉन हिंदू प्लेयरों के साथ साजिश करता है और उनके लाइफ को बर्बाद करता है। देखिए, दानिश कनेरिया जी के साथ और भी एक नॉन मुस्लिम प्लेयर क्रिकेट खेल रहा था और वो थे यूसुफ योहाना। यूसुफ योहाना जब उनके दबाव के आगे झुक कर मुस्लिम हो गए, उनको बहुत सारा फेमस मिल गया और उनके लाइफ सेट हो गया। लेकिन जब दानिश कनेरिया हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा, उनके लाइफ को बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया। आज मैं प्रूफ के साथ आपको इस वीडियो में डिटेल्स में समझाऊंगा। दोस्तों, मैं लाइक के लिए बहुत ही कम रिक्वेस्ट करता हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यूट्यूब ये वीडियो को पहुंचा पाए। 5,000 लाइक का उम्मीद रखता हूं, मुझे उम्मीद है आप सब कर दोगे। अब आप देखिए कैसे दानिश कनेरिया जी के खिलाफ साजिश हुआ था, खुद शोएब अख्तर और बाकी उनके मुँह से आप सुन लीजिए, फिर पॉइंट वाइज मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, मैं कप्तान होगा तो अपने घर पर मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा। तेरे मुल्क वो अगर 6-6 आउट कर दे रहा है, नाम मेरा चल गया इंग्लैंड सीरीज में, जिताई तो समी और उसने दानिश ने जिताई थी सीरीज। ठीक, मैं तब भी बात मैंने यही की थी, तब भी मैं कहता दानिश ना होता और समी पहले टेस्ट मैच में आउट ना करता। मैंने तो 4 ही किए थे ना आखिरी इनिंग्स में, 4 ही किए थे, वो तो कैसा हो रहा है मेरा, तो बन गया सिस्टम बन गया। बॉलिंग समी ने अच्छी की थी, ठीक हो गया, और बड़े बैट्समैन को वो लेके गया था। आप जो बात कर रहे हैं, मैं तो नीचे से आउट किया था ना। अब लाहौर में जब पहुंचे, अब वो स्लोर रन की वजह से अजीब सी ऑड सी बॉलिंग थी, स्लोर रन की वजह से वो साढ़ डाटा करके आउट होना शुरू हो गए, लेकिन पहले इनिंग्स में तो किया था दानिश ने था। ठीक है, अब उसको क्रेडिट नहीं को दे रहा था, लेकिन राजीव उस तरह से ट्रीट किया तो मुझे उससे बड़ी गर्मी आती थी। मेरी आपसे बात हुई थी, आपने बताया कि बहुत सारी चीजें जैसे आपने बड़ा मुश्किल है आजकल। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन है। और अभी जो आपने शोएब भाई की बात की, शोएब अख्तर ने जो बात करी, देखिये उसने बात की बिकॉज ही फेल इट, और ऐसा हुआ है मेरे साथ, जो उसने बात की उसको आज भी मैं अग्रीड करता हूँ, और वो 100% सही बात बोली थी शोएब अख्तर ने, कोई इसमें दो राय नहीं थी, थे ऐसे लोग। लेकिन इंजी, यहाँ पर कप्तानों की उसने बात की थी ना, लेकिन इंजी भाई ने के कप्तानी में मैंने 3 साल खेली क्रिकेट और उन्हें हमेशा सपोर्ट किया, और वो इंजी भाई नहीं थे। यूनिस भाई के आपको याद होगा, जब हम आए थे इंडिया में तो यूनिस भाई के साथ होली खेली थी, 5 में तो होली भी खेली थी, यूनिस भाई थे साथ और वो साथ होते थे, वो भी नहीं है। जो बात आ रही है ना, यूनुस खान है, वो कौन है फिर?
वो देखे वो शायद अफरीदी हमेशा अगेंस्ट ही रहा है मेरे शुरू से, वनडे क्रिकेट में नहीं आने दिया मुझे अपना। जब हम बैंक में खेलते थे, डिपार्टमेंट में थे, तो वहां पर मुझे बाहर बैठा के रखते थे, वनडे टूर्नामेंट नहीं खिलाते थे, वहां सब जगह बाहर करने की कोशिश करते थे, वहां पर भी कि मैं वनडे में नहीं खेलूं। मैं वनडे खेला हूं, 16 वनडे खेला हूं, लेकिन 10 साल के अंदर हर साल में 2 या 3 मैच खेला हूं, 4 मैच खेला हूं, इस तरीके से। दोस्तों आप समझ गए होंगे कैसे शाहिद आफरीदी, दानिश कनेरिया हिंदू है इसलिए हेट करता था। हालांकि शाहिद आफरीदी इंडिया के एग्नेस्ट और हिंदुओं के एग्नेस्ट हेट करना ये कोई नई बात नहीं है, बहुत सारा उनका पुराना वीडियो और पुराना न्यूज वायरल हुआ है। हालांकि ये जो टाइम पीरियड है ये 2008-7-8 या 6-10 के बीच का टाइम पीरियड है जब दानिश कनेरिया खेल रहे थे। अब आप खुद सुन लीजिए जब शाहिद आफरीदी को इस टॉपिक पर सवाल पूछा गया कैसे वो आरोगांट होकर जवाब दिए। जाते जाते एक मिनट मुझे बताया गया, लेकिन ये आप पता नहीं फिर कब आते हैं हमारे दोबारा। दानिश कनेरिया ने क्या बोल दिया लाला, क्या आप तबलीग दीन में लगे हुए थे क्या? वो कहते हैं जी शाहिद आफरीदी मुझे मुसलमान करना चाह रहे थे मुसलसल, क्या क्या बयान आया ये? यार खैर मेरे ख्याल में दानिश कनेरिया कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसके बारे में मैं जवाब दूं, मैं मुसलमान ये पता नहीं कब की बात कर रहा है। और मैं यहाँ यूनिस खान का जिक्र करना चाहूंगा, कैसे यूनिस खान जब दानिश कनेरिया को सपोर्ट किए, मतलब उनके जब बोर्ड साजिश कर रहा था ये कि हिंदू है और हमारे दबाव में आकर मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं हो रहा है उसके उसे हम बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जब यूनिस खान ने दानिश कनेरिया का साथ दिया उनको भी एक तरीके से कह सकते हो उनके कैरियर को खत्म कर दिया गया। क्यों तुम मुसलमान होकर एक हिंदू का साथ दे रहे हो? मतलब ड्रेसिंग रूम के अंदर यूनिस भाई से बात होती है तो यूनिस भाई कहते हैं कि मैं अभी जा रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मैं वहाँ जाके चीज़ बताऊँगा कि जो तेरे को रोक रही थी खेलने के लिए। फिटनेस का तो एक बहाना था, लेकिन मैनेजमेंट नहीं चाह रही थी कि दानिश कनेरिया टेस्ट मैच खेले, क्योंकि मैनेजमेंट चाह रही थी कि सईद अजमल का हो जाए, डेब्यू हो जाए और वो आ जाए, और आई वॉज जस्ट अ फ्यू विकेट्स अवे फ्रॉम अब्दुल कादर साहब के जो लेजेंडरी बॉलर थे उनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, आई वॉज फ्यू विकेट्स अवे। तो फिर तो इस तरह यूनिस भाई ने फिर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि मैनेजमेंट जो खिलाफ थी वो नहीं चाह रही थी कि दानिश कनेरिया खेले टेस्ट मैच और सईद अजमल को खिलाना चाह रही थी। तो वहाँ पर जब यूनिस भाई ने ये बारी क्लियर एंड बिकॉज ही वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, वो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते थे और उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर दी। और उसके बाद आप देखें कि यूनिस खान को जो है न्यूजीलैंड टूर था हमारा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का टूर था, वहाँ पर मैनेजमेंट ने उनको ड्रॉप कर दिया, टीम से भी ड्रॉप किया, एज एन कैप्टन ड्रॉप कर दिया, और उसके बाद मोहम्मद यूसुफ है कप्तान बने। अगर उस टेस्ट मैच में अगर मैं परफॉर्म नहीं करता तो मेरा वहाँ फुल स्टॉप लग जाता और मैं नहीं खेल पाता मज़ीद और आगे, क्योंकि अब आप समझ गए होंगे कैसे यूनिस खान को सजा मिली, क्यों वो एक हिंदू दानिश कनेरिया के साथ खड़े हुए और उनके कैप्टेंसी तो छीनी गई बाकी उनको टीम से भी एक तरीके से बाहर कर दिया गया और जो उनका कैरियर था उसको बहुत छोटा कर दिया गया। और आप बिलीव नहीं करोगे उनके खिलाफ साजिश में बाकी सारे क्रिकेटर जो तब खेल रहे थे वो शामिल हो गए थे, शोएब मलिक से लेकर आफरीदी हो गए, मोहम्मद यूसुफ हो गए और बाकी प्लेयर सईद अजमल हो गए। हालांकि पूरा एक डिटेल्स वीडियो है मैं नहीं डाल रहा हूँ कॉपीराइट के कारण, मैं आपको लिंक दे दूंगा उसे देखोगे तो आप पूरा डॉट कनेक्ट कर पाओगे। और एक दोस्तों पॉइंट पर ध्यान दीजिए, जब यूनुस खान को कैप्टनसी से हटाया गया कैप्टन किसको बनाया गया? मोहम्मद यूसुफ को, जो यूसुफ योहाना पहले थे क्रिस्टियन प्लेयर थे लेकिन बाद में वो कन्वर्ट हुए, हालांकि वो तीसरी बार उनका कन्वर्जन हुआ, पहले उनके फैमिली हिंदू से वो क्रिस्टियन हुए फिर क्रिस्टियन से वो इस्लाम में गए और आज तो उनका बयान बिल्कुल उलट हो गया और वो खुद आज मौलाना बन गए। बिलीव नहीं कर रहे तो वीडियो देख लीजिए। कोई ना कोई अपनी जाति लड़ाई की वजह से प्लेयर भाई मोहम्मद यूसुफ को कम तंग किया है, उसने भी ये सबको हमको भी तंग किया है लेकिन यूसुफ को कम तंग किया इन लोगों ने क्या? अग्रीड ठीक ठाक, वो तो प्लेयर ही इतना बड़ा था ना कि उसने फाइट की फिर खेला तो कमाल खेला। मतलब जब यूसुफ योहाना टूट गए, मतलब दबाव के आगे टूट गए और मुस्लिम हो गए तो उनको कैप्टेंसी बनाया गया और एक जवाब एक तरीके से आप कह सकते हो यूनुस खान हो या फिर उस तरह से सोच रखने वाले सेकुलर सोच रखने वाले उनको दिया गया, अगर आप हमारे बात को नहीं मानोगे तब हम यूसुफ योहाना जो कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने उसे हम आपको कैप्टेंसी से हटाकर कैप्टन बना देंगे, ये साफ मैसेज था। उसके बाद मोहम्मद यूसुफ का कैरियर क्या आगे गया आप सबको पता है और बाद में फिक्सिंग बाकी ऐसे साजिश रच कर दानिश कनेरिया को हटा दिया गया और आज तक भी उनको ठीक तरीके से काम भी नहीं मिल रहा है और उनको बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान का, इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हो कैसे पाकिस्तान सिस्टमेटिकली दबाव डालकर दानिश कनेरिया की कैरियर को ख़त्म किया और मोहम्मद यूसुफ मुसलमान बनने के बाद उनको प्रमोट किया। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही,
आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। पाकिस्तान में ना ये कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो के नमस्कार जय पे वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखें कि एक आप नॉन मुस्लिम हैं तो आपको कितने ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दानिश कनेरिया एक अच्छे प्लेयर हैं और उनको अनफिट डिक्लेयर किया गया, और उसके बाद क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों को तो यही लग रहा है कि ये जो है वो मुस्लिम नहीं हुए तो हिंदू हैं, तो ठीक है भाई इसको हमारी टीम में नहीं होना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि दानिश कनेरिया जो हैं उनके साथ अनजस्टिस हुई है, और जो है अगर ये भी मुस्लिम हो जाते तो आप सोचें कि ये भी जो है दूसरे प्लेयर की तरह ये भी फेमस होते और आज जो है इनका भी एक बहुत बड़ा नाम होता। वैसे भी नाम तो इनका बहुत है, जैसे शाहिद अफरीदी ने कहा कि इनका तो कोई इतना खास करेक्टर नहीं है, तो मैं ये समझती हूँ कि इनका नाम आपने बनने नहीं दिया। अगर आप इनका नाम बनने देते तो शायद आज वो भी आगे होते आगे बढ़ते, लेकिन आपको चाहिए था आप इनको सपोर्ट करते, आप इनको आगे लेकर आते, क्योंकि ये माइनॉरिटी में आते हैं तो आपने इनको और दबा दिया, इनको आगे लाने के बजाय आपने इनको पीछे कर दिया। अगर यही इंडिया की टीम के साथ खेल रहे होते तो क्या आपको लगता है कि ये पीछे होते? आप देखें तो भारत की हम टीम्स के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, लेकिन वहीं पर अगर देखें तो भारत में मोहम्मद सिराज जो हैं आज कितने अच्छा खेल रहे हैं, शामी कितना अच्छा खेल रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि भारत में मुस्लिम प्लेयर्स को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है, क्योंकि देखिए क्रिकेट और जो होता है आप हम ये कह सकते हैं आर्टिस्ट का जो है ना कोई भी एक बाउंड्री नहीं होती है, उसके फैन हर जगह पर होते हैं, उसको मोहब्बत हर जगह से मिलती है। तो पाकिस्तान में भी इंडियन प्लेयर्स को पसंद किया जाता है। मजहब धर्म के नाम पर आप अगर इस तरह से भेदभाव करेंगे इन चीज़ों में तो फिर इन चीज़ों में वो मज़ा नहीं रहेगा जो कि है। तो अब मैं यही कहना चाहूँगी कि दानिश कनेरिया जो हैं इनके लिए देखें, वैसे तो पॉलिटिक्स में मुझे लगता था कि लोग बहुत ज़्यादा जो है पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन अब मुझे पता चला कि ये डर्टी पॉलिटिक्स जो है वो क्रिकेट टीम में भी होती है। अगर वो सनातनी हैं, सच्चे दिल से सनातनी हैं, तो आपने उनको जो है वो बिल्कुल ही डाउन कर दिया। अगर वो मुस्लिम बन जाते तो आप उनको सर आंखों पे रखते, उनको आगे लेकर आते। तो मैं ये समझती हूँ कि दानिश कनेरिया जो हैं इनको अपने कैरियर को बनाने के लिए, अपनी जो है अपने आगे आगे आने के लिए अगर सपोर्ट चाहिए तो इनको यहाँ तो पाकिस्तान से अदर कंट्री में चले जाना चाहिए और वहाँ पर जाकर आईपीएल के लिए खेले और भारत के लिए खेले। मुझे तो यही लगता है कि ये किसी और कंट्री के लिए खेलेंगे तो शायद ये बहुत ज़्यादा आगे आ सकते हैं और दोबारा से अपने पैरों पर स्टैंड हो सकते हैं। दूसरा ये है यहाँ तो भारतीय नागरिकता ले लें तो उससे भी जो है उसके बाद ये आईपीएल के लिए खेले, क्योंकि पाकिस्तानी होकर ये इंडिया के लिए तो अभी नहीं खेल सकते, जाहिर सी बात है। तो इंडियन इनको बहुत सारा सपोर्ट करेंगे, बहुत सारा प्यार देंगे। अगर वो अपने कैरियर को बनाना चाहते हो तो उनको ये सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल अगर क्रिकेट के अलावा भी हम देखें तो पाकिस्तानी आम जो पाकिस्तानी मुस्लिम्स जो हैं स्पेशली वो लोग भी इन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर यही प्रॉब्लम होती है पर्सनल तकरार की वजह से, एक तो बंदा आगे नहीं आता और दूसरा पर्सनल अच्छे रिलेशन की वजह से जो है वो लोगों के साथ डील करके अपना जो है वो जॉब्स सीट्स ले लेते हैं, तो आगे दूसरा जो बंदा होता है उसको आने का मौका नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स इसी के ऊपर आप क्या कहेंगे ये कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी शोएब अख्तर जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि दानिश कनेरिया की वजह से वो मैच जीते थे। लास्ट में जो वो आए तो वो तो एक लक था, लेकिन जो पूरा मैच जीता हुआ था वो तो दानिश कनेरिया की ही वजह से जीता गया था, लेकिन उनको किसी ने हाईलाइट नहीं किया। तो गाइस इसी के साथ आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरी राय के साथ एग्री करते हैं तो कमेंट में बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, लव एंड सपोर्ट।